हिंदुस्तान, इंडिया, भारत। 2015 से लोगों ने हिंदुस्तान को एक नए नाम से जाना, डिजिटल इंडिया, जहां पर आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन से लेकर आपकी बैंक इन्फॉर्मेशन सब कुछ डिजिटल हो चुकी थी और ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके एक छोटे से मोबाइल फ़ोन पर। और आपके मोबाइल फ़ोन की इन्फॉर्मेशन इस शहर के सबसे बड़े हैकर सत्यराज के पास। सत्यराज ने अपने इलीगल कामों को अंजाम देने के लिए एक हैवान पर रखा है करीम, जिसका सीधा कांटेक्ट सत्यराज के छोटे भाई विजयराज के साथ। कहा जाता है सत्यराज को आज तक किसी ने देखा नहीं, लेकिन सत्यराज ने एक छोटे से चाय वाले से लेकर एक बड़े से बिजनेसमैन तक को अपने कंप्यूटर में कैद कर रखा है। हेलो सर, एक इन्फॉर्मेशन सेंड किया हूँ। यस सर। काम आज हो जाए तो अच्छा है, काम छोटा है। ओके सर। बट तुम्हारे खर्चे मैं अपनी जेब से तो नहीं, इन छोटे छोटे कामों से निकालने पड़ते हैं मुझे। ठीक है सर, देखता हूँ। हेलो हेलो, क्या मेरी बात सीतरी कैफे में हो रही है? कहिए, क्या ऑर्डर था आपका? एक्चुअली टुडे इज माय सन्स बर्थडे, तो मुझे 2 केक ऑर्डर करवाने थे। श्योर सर, मेरे पास ऑलमोस्ट सारी वैरायटी है। 1 pineapple एंड 1 butterscotch। ओके सर, बट इनके साइज? पाइनएप्पल 1 kg का होना चाहिए और butterscotch 2 kg का। कैलकुलेट करके बता दीजिए टोटल कितना हुआ। आपका हुआ 1350। ओके ना मैम, आप अपनी बैंक डिटेल्स मुझे सेंड कर दीजिए इस नंबर पे, मैं नेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट कर दूंगा। सर रिसेंटली मेरे पास अकाउंट डिटेल्स के लिए चेकबुक अवेलेबल नहीं है, तो कल जब बच्चे आए आप उनके हाथ भिजवा देना। नो मैम, बच्चे छोटे हैं और 1350 रुपये मिडिल क्लास लोगों के लिए बहुत बड़ी अमाउंट होती है। एक सेकंड सर, मैं अपने सिस्टर को कॉल लगाती हूँ, आपको जो भी डिटेल्स चाहिए वो आपको दे देगी। हेलो, कॉल में कस्टमर है, उन्हें जो डिटेल्स चाहिए तो उन्हें दे दे। कस्टमर? ओके दी, फिकर नॉट, अपन है कस्टमर को हैंडल कर लेगा। क्या साहब, बालाघाट की इतनी गर्मी में चाय मंगवाए, ठंडा उंडा मंगवा। हेलो हेलो, हाँ बोलिए। ओके सर, मैं देती हूँ डिटेल्स। हाँ सर लिखिए, 6900005। हाँ सर, ये सीओम भैया की दुकान आया था चाय छोड़ने, बस आ रहा हूँ। मैम एक पिन आया होगा ट्रांजैक्शन कंफर्मेशन के लिए, क्या आप वो मुझे देंगे? हाँ सर, व्हाई नॉट, क्यों नहीं। एक सेकंड सर, हाँ लिखिए 5568। मैम थैंक यू एंड गुड बाय।
फोन उठा प्लीज। हाँ दीदी। सिद्धि तूने क्या कर दिया, बरसों की मेहनत किसी गैर के हाथ रखवा दी। सिद्धि पूरे 15 लाख विड्रॉ कर दिए, वो एक फ्रॉड कॉल था क्या? आपने ही तो बोला था जो मांगे दे देना। दीदी अब क्या करें, वो पैसे फिर से वापस नहीं हो सकते? हाँ लगाओ उससे कॉल और बोल भैया पैसे वापस कर दो। सिद्धि ये तेरी और मेरी शादी के लिए कई सालों से जमा हो रहा FD रिफंड था। उनकी मेहनत थी उसमें, वो आज हमारे बीच नहीं, लेकिन उनकी इच्छा थी कि उनकी बेटियों की शादी धूमधाम से हो। सिद्धि तूने उन पैसों को नहीं पापा को खोया है दोबारा से। दीदी प्लीज आप तो ऐसा मत बोलो, आपके सिवा है ही कौन मेरा यहाँ पे? कोई और तरीका नहीं है क्या? तरीका तो कुछ नहीं, फिलहाल मैंने बैंक से कॉल करके सेल्स एग्जीक्यूटिव को बुलाया है, उन्हें एक स्टेटमेंट लाने का है। आते ही होंगे वो शायद उससे पता चले पैसे कहाँ गए। बैंक से कोई आ गया। हेलो मैम। हे आपने स्टेटमेंट लाया ना? हाँ मैम लाया। मैम जैसा कि आपने बताया उस हिसाब से और 3 अकाउंटों में पैसा ट्रांसफर हुआ, लेकिन अकाउंट्स की डिटेल मैं आपको दे नहीं सकता क्योंकि बैंक रूल्स के खिलाफ है। हाँ लेकिन इनके स्टेटमेंट के नरेशन में ये दिखा रहा है कि एक अकाउंट में फ्रीजर के लिए, एक अकाउंट में फर्नीचर के लिए और एक अकाउंट में साउंड सिस्टम के अकॉर्डिंग परचेज की। लेकिन हमने तो कोई ऐसी परचेज की ही नहीं। माफ कीजिएगा मैडम, लेकिन जहाँ तक मुझे याद है आपने एक बार लोन की अर्जी की थी हमारे बैंक से और इन सब आइटमों का कोटेशन लगाया हुआ था। हाँ लेकिन ये बात तो बहुत पहले की है, उस लोन अमाउंट को मैंने आपके बैंक में फिक्स डिपॉजिट करवाया था। लेकिन मैडम लोन तो आपने बिजनेस के लिया था, ये तो गलत बात है ना। लेकिन हैरानी की बात ये है कि एक ही OTP से ये सारा पैसा 3 अलग अलग अकाउंट में कैसे गया? वही तो मैं आपसे कह रही हूँ, हमारे साथ बैंक फ्रॉड हुआ है सर, ये अमाउंट मेरे लिए बहुत बड़ा है, प्लीज आप कुछ कीजिए। देखिए मैडम बैंक इस मामले में आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। हाँ लेकिन मैं एक ऐसे आदमी को जानता हूँ जो आपकी मदद कर सकता है, एक हैकर। कौन? राम श्याम। हे भगवान तेरे कितने नाम, कोई तुझे गोविंद कहे कोई राधे श्याम। मुझे आज भी याद है जब सारा शहर जन्माष्टमी मना रहा था, तब उसी भीड़ में से मैंने उसे पहली बार देखा। इंसान के फेस में छिपा पूरा कंप्यूटर कोडिंग सिस्टम। विराज हेलो कौन? सिद्धि? ओ अच्छा हाँ, कैसी हेल्प? ओ अच्छा, मैं तुमको एक एड्रेस मैसेज कर रहा हूँ, मुझे वहाँ पे आके मिलो। ओके बाय। आओ सिद्धि बैठो। आ निकला हूं पल दो पल के लिए। मैंने जस्ट अभी ये छोटा सा ऑनलाइन कैफे स्टार्ट किया है और छोटा मोटा कंप्यूटर सर्विसिंग का काम। सॉरी
एक सेकंड, हाँ मैं इसे बंद कर देता हूँ। हाँ तो तुम क्या कह रही थी? बैंक फ्रॉड हुआ है। कितना अमाउंट? 15 लाख। क्या 15 लाख? इतना बड़ा अमाउंट? हाँ, रिसेंटली मैंने लोन अमाउंट को एफडी में कन्वर्ट करवाया था। लेकिन इतना बड़ा अमाउंट तुमने हैक कैसे होने दिया? वो मैंने ही ओटीपी शेयर कर दिया था। जितना बड़ा अमाउंट उतनी ही बेवकूफ तुम। तुमने ओटीपी क्यों शेयर किया? बच्ची हो क्या? अच्छा तुम्हारी उससे क्या बात हुई? क्या मैं सुन सकता हूँ? आई मीन तुम्हारे पास कॉल रिकॉर्डिंग वगैरह तो होगी ना? दिखाओ। हाँ कॉल रिकॉर्डिंग है मेरे पास। मैं सिर्फ इतनी मदद कर सकता हूँ कि उस हैकर की डिटेल्स तुम तक पहुँचा सकता हूँ। ठीक है ओके। मुझे उसका नंबर दो। इनिशिएटिंग सिस्टम 1। सिस्टम 1 लोडेड। शिवम, कोई तुम्हारे सिस्टम को ट्रेस कर रहा है। बेवकूफों जैसी हरकत मत कर और तुरंत अपने सिस्टम को बंद कर। ठीक है सर, आई एम कमिंग। ओह शिट, लगता है सिस्टम क्रैश हो गया है। गलियां तेरी गलियां मुझको सत्यराज की इस हैकिंग की दुनिया में तुम्हारा स्वागत है। तुम्हारा बाप एक मैकेनिक था ना, और तुम भी अपने बाप की तरह मैकेनिक गिरी करते हो। अच्छा काम है वही करो, मेरे पाले मत पड़ो, वरना ऐसा अश्न करूंगा तुम्हारा कि दोबारा किसी को शक्ल दिखाने लायक नहीं बचोगे। ठीक है, अगर तुम्हें अपनी औकात का अंदाजा लगाना ही है तो 10 दिन का समय देता हूँ तुम्हें। मेरी एड्रेस और मेरा डिटेल सेम रहेगा। अगर तुमने मुझे पकड़ लिया तो मैं भी तुम्हारी तरह मैकेनिक बन जाऊंगा, और अगर नहीं पकड़ पाए तो आईने पर अपनी शक्ल देखकर एक बार उसमें थूक देना, क्योंकि इतनी बेइज्जती के बाद तो शायद मैं अपनी जान दे देता। अब तुम इसे चेतावनी समझो या मेरा चैलेंज। गुड बाय। ये बहुत शातिर है, मुझसे नहीं होगा। ये इनका रोज का काम है, इन तक टेक्नोलॉजी के थ्रू पहुंचना बहुत मुश्किल है। आई एम सॉरी सिद्धि। अगर नहीं पकड़ पाए तो आईने पर अपनी शक्ल देखकर एक बार उसमें थूक देना, क्योंकि इतनी
हाँ हेलो सिद्धि, क्या तुम मुझे वो रिकॉर्डिंग सेंड कर सकती हो जो तुमने मुझे सुबह सुनाया था? हाँ हाँ, थैंक यू, बाय। तो क्या बोला था मैकेनिक? हाँ, अब तो साला बात ईगो पे आ गई है। खेल खेलने का बहुत शौक है ना तुझे, तो ठीक है, तेरा ये शौक भी पूरा कर देता हूँ। तो अब होगा असली खेल शुरू, लेकिन इस बार विराज की तरफ से, मिस्टर हैकर।